कस्ते गंगा प्रवहति दीवोपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में आप छंदों का सामान्य परिचय सुनेंगे। आइए, छंदों की इस परंपरा में हम आज आर्या छंद की बात करते हैं। मित्रों, आर्या एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है, ध्यान रखिएगा। वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद होते हैं, आर्या छंद मात्रिक छंद है। छंद का लक्षण कुछ इस प्रकार से है, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद कहलाता है। प्रथम चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं, कुल मिलाकर के चारों चरणों में 57 यानी 57 मात्राएं होंगी। ठीक, ये आर्या छंद है। इसकी पहला चरण है अपरितोषाद् विदुषाम, 12 मात्रा हो गई। न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इसमें 18 मात्राएं होंगी। तीसरा चरण देखें बलवदपि शिक्षितानाम, 12 मात्राएं। अब 15 मात्रा वाला चौथा चरण देखें आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, इस प्रकार से पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे में 18 मात्राएं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं और चौथे में 15 मात्राओं वाला छंद आर्या छंद होता है। एक उदाहरण और देखें अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरं नरञ्जयते। और देखें कृष्णः शिशुसुतो मे वल्लवकुलटाभिरार्हितो न गृहे क्षणमपि वसत्यसाविति जगाद गोष्ठ्यां यशोदार्या। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणैरुद्यान लता वन लताभिः। आर्या छंद को मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। आर्या छंद के 9 भेद बताए गए, पथ्या, विपुला, चपला, मुख चपला, जघन चपला, गीति, उपगीति, उद्गीति और आर्या गीति। पथ्या, विपुला, चपला, मुख चपला, जघन चपला चा गीत्युपगीत्युद्गीत आर्या गीतिश्च नवधार्या। 9 प्रकार की आर्या आपको बताई गई छंद शास्त्रों में। और दो उदाहरण भी देख सकते हैं, मृगमीन सजनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तीनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति परिचरितव्या संतः यद्यपि कथयन्ति नोपदेशम यास्त्वेषां स्वैरकथास्तायेव भवन्ति शास्त्राणि परिचरितव्यासंतः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम यास्त्वेषां स्वैरकथाः तायेव भवन्ति शास्त्राणि शममेष्यति मम शोकः
कथन्नुवत्से त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वार विरूढ़ नीवार बलिम विलोकयतः। तो मित्रों, ये था आर्या छंद। हम फिर नए ऑडियो वर्जन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।